और देखिए अग्रनगर में खड़े हम और यहाँ पर रघुनाथ मंदिर बना हुआ है 19 फरवरी 79 बहुत मुद्दत पहले जब ये अग्रनगर बना था उधर लगाओ देखो ये अग्रनगर जे सोसाइटी के अंडर बना था ये मेरे यहाँ पहली सोसाइटी हो गई है जब यहाँ पर ये लोगों को ट्रेंड आया आजकल तो फ्लैट का ट्रेंड आ गया लेकिन उस समय ये सोसाइटी का ट्रेंड था अपना प्लाट लेकर लोग घर बनाते थे और देखिए ये जो मंदिर है ये सोसाइटी की तरफ से बनाया गया मंदिर दिखा दूं और देखिए पूरी कलाकारी से ये मंदिर और सबसे बड़ी बात है कि अग्रनगर में बनिया लोग जितने ज़्यादा हैं 90% के घर इन्हीं कम्युनिटी के हैं और ये हाल बना हुआ है जहाँ पे और साथ ही वो रघुनाथ हॉस्पिटल है। क्या हाल है तो जहाँ पर हम सिर्फ चलते चलते आए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज आपको ये दिखा देते हैं जहाँ पर कि अग्रनगर में जो ये मंदिर बना हुआ है और देखिए पार्क भी है जहाँ पर बहुत अच्छे बने हुए रामलीला भी होती है जहाँ पे और ये शॉपिंग भी यहाँ पर ये है ये लुधियाना शहर में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है अग्रनगर में तो यहाँ के ट्रस्टी जो है अग्रनगर सोसाइटी के ही सदस्य हैं और देखिए मंदिर के ऊपर भी जाने की बिल्डिंग का निर्माण जारी है आज मंगलवार का दिन है लोग प्रसाद वगैरह भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए आते हैं शाम का वक्त है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है वैसे तो ये अब अप्रैल का लास्ट डे है आज कल से 1 मई शुरू हो जाएगा लेकिन अभी भी मौसम खुशनुमा है रघुनाथ का मंदिर जो है तो राम दरबार सामने है राम जी राम राम जी राम राम क्या हाल चाल है मंदिर में सेवा करते हो हैं तो सुबह शाम आरती होता है सुबह शाम आरती होता है तो ये मंदिर निर्माण चल रहा है एकदम बहुत बढ़िया चलो बढ़िया है मंदिर बन जाएगा हाँ बन जाएगा महीना दो महीना चार महीना सब रिपीटिंग बन जाएगा सब्जी दोबारा बन रहा है सब ठीक है और देखिए जैसा हमने बताया था अग्रनगर जैसे आए हैं अग्रनगर 79 दे बेचे 45 साल पहले जो शहर के लोग कहते सी भी हुण असी शहर च नहीं आना बाहरली वादी जाना है इत्थे सोसाइटी जिहड़ी सी अग्रनगर दे विच उन्होंने मंदिर भी बनाया धर्मशाला भी बनाई हॉस्पिटल भी बनाया पापा जिले मंदिर बनाए सी जिले आ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਬਦ ਵਗੈਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਸਦੱਸਿਆ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾਈ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪੀਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਚਨਾ ਜੈਸੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀਰਨੋਦਵਾਰ ਕਰਾ ਕੇ
कुछ अच्छा रूप और अच्छा रूप दिता जाए, क्योंकि भगवान की सेवा दे विच जो भी कार्य किया जाए जाता है उदे नाल मन की संतुष्टि होंगी और आने वाले जन्म दे विच इंसान का एक योग होंगे। इस करके अगर नगर वासी इस कार्य कर रहे हैं, इस दे लिए असीं भगवान के चरणों च अरदास करते हैं कि ये अच्छी तरीके दे नाल जैसी साड़ी भावना है सारियां दी उस तो अच्छा बन के निकले और सारियां दी संतुष्टि हो। देखो महिंद्रपाल गुप्ता जी दस्या कि जिद्दां साड़ी भावना हैगी है भी अच्छा मंदिर बने, क्योंकि 45 साल पहले भी शुरू कराया सी जिले मंदिर है, अज जीर्ण उधार हो रहा है दोबारा इहनूं जाने की जिथे मूर्तियां वगैरह नवीं लगाई जा रही है ने देख लो तुसीं, ते आ जिहड़ा मंदिर दे बाहर गेट जिहड़ा हैगा वा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ वो की जा रही है। उरे मंदिर दे विच हाल बनाया गया है, हाल दे विच हर महीने चौकी हुंदी है माता दी और इसे तरीके नाल होर चीज़ां बधाई जा रही हैं। ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕੇ।